तो मैं सोनू यादव आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल जिसका नाम है तैयारी जीत की। और हम देख रहे थे मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर UPPCS 2017। तो अब तक हमने भाग 5 तक क्लियर कर लिए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन प्रश्न नंबर 55, ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2017 में भारत की रैंक क्या थी? दोस्तों इस क्वेश्चन को साथ साथ जो है आपसे रिक्वेस्ट भी है, अगर आप अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम हर 2 दिन में जो है UPPCS 2017 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस डालेंगे जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसी से जो है यूट्यूबर्स जो हैं प्रमोटेड होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 78 रैंक आई है दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये रैंकिंग अभी हाल ही में आई है, हर 2 साल पर या 1 साल पर, 2 साल पर निकलती है ये। और जब इसमें जो है टॉप किया है जर्मनी ने, और किसने देशों में वीज़ा फ्री है ये आज का क्वेश्चन है। जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, इन सभी पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर्स आपको भाग 11 में मिलेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, आनंदम स्कीम किस राज्य की योजना है? तो आनंदम स्कीम मध्य प्रदेश की योजना है, और किससे संबंधित है? सीनियर सिटीजन से। डिजिटल डाकिया स्कीम किस राज्य की योजना है? तो ये योजना है मध्य प्रदेश की। फिर से सुन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 57, डिजिटल डाकिया स्कीम किस राज्य की योजना है? मध्य प्रदेश की। ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने 3 स्टार दिया है, सुन लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 154वां यानी कि 154वां नेशनल यूथ डे कब मनाया गया? ये मनाया गया 12 जनवरी को, और इसकी थीम क्या थी? दोस्तों आपको पता है कि UPPCS जो है अब जो है डेट तो पूछ ही लेता है, लेकिन क्रम संख्या और थीम पे फोकस स्पेशली रहता है उसका। तो यूथ फॉर डिजिटल इंडिया उसका जो है थीम था इस बार, जो नेशनल यूथ डे मनाया गया। और ये क्वेश्चंस जो है कई बार पूछा जा चुका है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को तो आप हल्के में ले ही नहीं सकते। 3 क्वेश्चन बनते हैं, क्रम संख्या, डेट और थीम। और ये मनाया किस लिए जाता है? स्वामी विवेकानंद जी के जो है जन्मदिवस पर, 154वां, 12 जनवरी और यूथ फॉर डिजिटल इंडिया, ठीक है। और इन्होंने जो है शिकागो में, विवेकानंद जी ने 1893 यानी कि 1893 में विश्व सम्मेलन जो हुआ था शिकागो में, वहाँ स्पीच दी थी। तो ये भी जो है एक फैक्ट है, इसको जो है ध्यान रखिएगा, कुछ पूछ सकता है। नीति आयोग द्वारा भारत की GDP ग्रोथ रेट एस्टिमेट की गई है, ये ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों। एक क्वेश्चन पक्का बनेगा, क्या बनेगा? या तो नीति आयोग के अकॉर्डिंग पूछ ले, या IMF के अकॉर्डिंग पूछ ले, या फिर वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग पूछ ले। इन सभी ने हाल के दिनों में अब जो भारत की GDP रेट का एस्टिमेट किया है, तो अब आप पे डिपेंड है कि आपको इन सब चारों का जो है पता होना चाहिए। फिलहाल चलते हैं 59 क्वेश्चन में। नीति आयोग ने जो है भारत की GDP ग्रोथ रेट 8.0 एस्टिमेट की है, बाकी IMF, वर्ल्ड बैंक और जो है CSO जो है सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन, इन सभी की जो है हमारे पिछले वीडियोस में मैंने बताया था कि कितने कितने परसेंट जो है एस्टिमेट की है। तो प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, अखाड़ा बुक, हाल ही में बुक रिलीज हुई है अखाड़ा बुक, किस व्यक्ति के जीवन पर आधारित है यानी कि बायोग्राफी है? ये महावीर फोगाट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इनकी एक फिल्म आई है दंगल आमिर खान की, और उनको जो बेस्ट फिल्म फेयर का अवार्ड मिला है, और उन्होंने जो है महावीर फोगाट की भूमिका निभाई है, इसलिए ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 61, 11वां विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? ध्यान दीजिए दोस्तों, BJP की गवर्नमेंट है UP में भी, तो ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। 11वां विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? 14 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 62, देश के किस राज्य ने भारत का लार्जेस्ट पब्लिक वाईफाई सर्विस लॉन्च किया है? क्वेश्चन सुन लीजिए, देश के किस राज्य ने भारत का लार्जेस्ट पब्लिक वाईफाई सर्विस लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र ने। अगला क्वेश्चन 2 स्टार के साथ है और पूछा गया है, जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। तो ये क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन का जो आयोजन हुआ वो कहाँ हुआ, किस राज्य में हुआ, ये आपको बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है इसलिए मैंने भी पूछा है। इन सभी के आंसर आपको वीडियो नंबर 11 में मिलेंगे। अगला क्वेश्चन भी पूछा गया है आपसे 2 स्टार के साथ है, 11वां ब्लाइंड चैलेंज कार रैली किस राज्य में
संपन्न हुई। क्वेश्चन सुन लीजिए, 11वां ब्लाइंड चैलेंज कार रैली किस राज्य में संपन्न हुई? ये क्रम संख्या जरूर याद रखिएगा, 11वां ब्लाइंड चैलेंज कार रैली किस राज्य में संपन्न हुई। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, 3 स्टार है तो यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने मिजलेस रूबेला, ये एक बीमारी है मिजलेस रूबेला, यानी कि खसरा और इचनेस, यानी कि जो खुजली होती है खसरा और खुजली, वैक्सीन किस राज्य में लॉन्च की है? तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने मिजलेस और रूबेला, जिसे हम खसरा और इचनेस कहते हैं, वैक्सीन किस राज्य में लॉन्च की है, ये भी आपको बताना है। दोस्तों, इन सभी क्वेश्चंस के जो मैंने अपने पिछले वीडियोस में ही पूछे हैं, उनके आंसर आपको भाग 11 में मैं सेटिस्फाइड कर दूंगा, उन सभी के आंसर मैं दूंगा। हालांकि ये क्वेश्चन पूछने का मतलब बस यही है कि आप हमें कमेंट करें और बताएं इनके आंसर्स क्या हैं, ताकि आप हमसे भी जुड़ें, हम प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, हम एक ग्रुप बनाएं ताकि एक अच्छा जो है प्रिपरेशन हो सके और इसी बहाने आपकी हेल्प भी हो सके। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि क्योंकि हम हर 2 दिन में, या हो सकता है कि हर दिन एक वीडियो ज़रूर अपलोड करेंगे, जो UPPCS 2017 में बहुत मायने रखेगा। और आप अगर इसे छोड़ते हैं तो ये आपका खुद का नुकसान हो सकता है दोस्तों, और इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। तो स्टे ट्यून रहे, हमारे साथ रहे, निरंतर तैयारी करते रहे, और UPPCS के लिए आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद।